बालाघाट की जनपद पंचायत भिरसा क्षेत्र के ग्राम पंचायत डावरी के वार्ड पंच एवं ग्रामीणों ने सरपंच सचिव एवं रोजगार सहायक पर पंचायत में किए गए निर्माण कार्य एवं अन्य कार्यों में भारी अनियमितता एवं फर्जी भुगतान किए जाने का आरोप लगाया गया है। इस आरोप को लेकर ग्रामवासी व पंचों द्वारा अनेकों बार तहसील से लेकर जिला स्तर तक ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई। मामले को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई में भी शिकायत थी, लेकिन सरपंच सचिव एवं रोजगार सहायक के द्वारा किए गए निर्माण कार्य में अनियमितता एवं फर्जी भुगतान की जांच अभी तक नहीं हुई। मीडिया के साथ चर्चा में वार्ड पंच ने बताया कि पंचायत के कार्य में सरपंच सचिव एवं रोजगार सहायक द्वारा भारी अनियमितता की गई एवं शासकीय योजना को पलीता लगाने का कार्य इन तीनों के द्वारा किया गया है। दरअसल जिस काम में कोई राशि लगी ही नहीं उसका भी फर्जी भुगतान किया गया है और भुगतान की गई राशि निकालकर अपने स्वयं के निजी कार्यों में खर्च की गई और शासकीय राशि का बंदरबांट किया गया है। इसी को लेकर जांच कर तीनों के ऊपर कार्यवाही करने की ग्रामीणों ने गुहार लगाई है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में कब तक उचित कदम उठाकर कार्यवाही करता है। जी, कौन से वार्ड के पंच? वार्ड नंबर 13 पंच में। क्या समस्या है भाई? यहाँ की समस्या ये है कि हमने जो काम हुए हम 2 साल का हिसाब मांगे हमने सरपंच सचिव द्वारा। किस चीज़ में मांगे थे? कि सूचना के अधिकार तहत मांगे थे? हाँ, या मौखिक मांगे थे? मौखिक मांगे थे हमने ग्राम पंचायत के माध्यम से। भाई 3 लाख का काम हुआ, हमने ऑनलाइन मटेरियल का बिल निकाले तो भाई इतना काम हुआ ही नहीं, भाई इतने पैसे कहाँ गए? क्या क्या काम में मटेरियल में फर्जी बिल? यहाँ सीसी रोड, फिर कन्वर्ट पुलिया वगैरह हो गए, फिर सामुदायिक भवन भी है। सर कहाँ पे है सामुदायिक भवन? सामुदायिक भवन तो है ही नहीं यहाँ पे, यही हो सकता है अभी जो बना है नहीं। जी, तो इसका पैसा कितना स्वीकृत हुआ है? इसका सुकृत का पता नहीं है, पंचायत दर्पण में बता रहा है। ये तो बना हुआ है कहीं? यही हो सकता है। क्यों मामा जी? ये जो बना है एक भवन है यहाँ पे बना हुआ? नहीं है, उसका पैसा निकल गया है क्या? इसकी आपके पास पूरी जानकारी है? लिखी जानकारी है ना, ऑनलाइन से कल। जी, और क्या समस्या है? और समस्या है यहाँ की, देखो शिकायत करें हम जिला सीओ को भी, करें एसडीएम को, करें कलेक्टर साहब को भी, करें इसकी कोई। किस किस मामले में आपने जानकारी दी है अधिकारियों को कि भाई इतना पैसे गबन हुआ है? किस चीज में गबन हुआ है? ग्राम पंचायत के काम हुए जी, इसके जहाँ पिचिंग पत्थर नहीं हुए तालाबों में, वहाँ पिचिंग पत्थर का भी पैसा निकाल लिए हमने। 10 लाख 12 लाख का बिल लगा है, 18 लाख का बिल लगा है जी। भाई इतना पैसे निकाले हो तो ये कहाँ इन्वेस्ट हुआ है? हम पंचायत के पंच लोगों ने हिसाब मांगे कि इतने पैसे कहाँ गए, हमको हिसाब चाहिए। तीन ने 3 दिन का टाइम दिया हमको सरपंच सचिव। 3 दिन बाद हम ग्राम पंचायत के पूरे सदस्य लोग बैठे, ग्राम पंचायत के लोग भी आए, कम से कम 300-400 लोग आए पब्लिक। हाँ, 400 पब्लिक था। उसके बीच में हमने बुलवाया तो इनने सरपंच भी फरार हो गया, सहायक सचिव भी फरार हो गया, सचिव भी फरार। कौन है सरपंच यहाँ पे? यहाँ पे परमीला बाई वरकड़े, प्रतिभा रेलाल। और सचिव? सचिव परम वीके थे, अभी यहाँ से क्या थे? परम उइके उनके कार्यकाल में कार्य हुए, कार्यकाल में हुए। और रोजगार सहायक? रोजगार सहायक सुखचंद वरकड़े। सुखचंद वरकड़े, ये सब चीज़ की जानकारी आपने उच्च अधिकारी को दिए हैं जी? कितने दिन पहले दिए? ये 3 महीना करीब। और ये जो काम आप बता रहे हैं कितने दिन पहले, पुराने काम है ये? पुराने काम है ये 2 साल पहले। 2 साल पहले इसकी जानकारी आपको मिली नहीं है? नहीं। क्या मांग करना चाहते हैं प्रशासन से? हम ये कि इसकी जाँच हो, कार्रवाई होनी चाहिए इस पर। 8 दिन 10 दिन के अंदर होना चाहिए। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए